आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ मेजर ब्रांच चूज करने का सोच रहा हूँ बीटेक के लिए, क्या कोई सीयूईटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऐसा ऑफर करती है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मशीन लर्निंग एज अ स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहता हूँ, ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो सीयूईटी के थ्रू इसमें एडमिशन करवा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, क्या इसमें स्पेशलाइजेशन करना पॉसिबल है? क्या ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के स्पेशलाइजेशन होते हैं इन नॉर्थ, इन साउथ या इन महाराष्ट्र? क्या इनका सब्जेक्ट क्राइटेरिया रहने वाला है सीयूईटी यूजी 2024 के लिए? अगर आपके भी ऐसे ही सवाल है तो बीटेक फर्नांडिस संस्थान का आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी डीम टू बी यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी यूजी 2024 के थ्रू आपको एडमिशन करवा सकती है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज इन योर बीटेक। नमस्ते, मेरा नाम है रश्मि शर्मा, मैं एक बीटेक आईटी ग्रेजुएट हूं और मुझे 9 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको आज अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। मगर उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फर्नांडिस संस्थान को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है, आपका टाइम सेव करता है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चले शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो की। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीयूईटी यूजी 2024 के लिए रजिस्टर करते हैं आफ्टर दे कंप्लीट देयर 12th। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो बीई बीटेक जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं, इसके अलावा भी कई सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हैं। इनमें से जो भी स्टूडेंट्स बीई बीटेक करना चाहते हैं उसमें से बहुत से स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एंड अगर हम आज के बच्चों की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्पेशलाइजेशन है वो बहुत से ज्यादा बच्चे जो है वो करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स का बहुत बार हमारे पास सवाल आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन पाया जा सकता है सीयूईटी यूजी 2024 के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली सीयूईटी यूजी 2024 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जहां से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर सकते हैं इन 2024। सबसे पहली डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी यूजी 2024 के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स प्रोवाइड करती है, ये है अरोरा हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एकेडमी। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ढूंढ रहे हैं तो अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी नजर आ जाएगी। अगर हम बात करें कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है, तो ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड हैदराबाद तेलंगाना में। अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज रन होते हैं, तो सबसे पहले बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है वो रन होता है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का स्पेशलाइजेशन रन होता है अंडर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे अपने सीयूईटी यूजी 2024 में ताकि आप इसमें एडमिशन ले सकें। तो अगर हम बीटेक सीएससी की बात करें या बीटेक सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नजर आ रही होगी। अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी कहाँ सिचुएटेड है, तो ये कोयम्बतूर तमिलनाडु में सिचुएटेड है। क्या यहाँ पर सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स रन होता है या कोई और कोर्स भी रन होता है? तो यहाँ पर दो स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। अगर हम बात करें कि आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस हो, यहाँ पर फिजिक्स एंड मैथ्स आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होने वाला है। अगर हम बात करें थर्ड सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर अगर आपने सीयूईटी में केमिस्ट्री सिलेक्ट किया है, बायोलॉजी सिलेक्ट किया है या कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है चिन्मय विश्वविद्यापीठ। अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की, तो आपको लिंक अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। अगर हम बात करें कि इसका हेड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, तो ये अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेज रन होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये दो कोर्सेज रन होते हैं। अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है इन सीयूईटी यूजी, तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तीन सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने होंगे। चौथे नंबर की डीम टू बी यूनिवर्सिटी है दत्ता मेघी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। लोकेशन की अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र की एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, जो सिचुएटेड है वर्धा महाराष्ट्र में। दत्ता मेघी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस जैसे दो स्पेशलाइजेशन जो है वो रन होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सीयूईटी यूजी 2024 सब्जेक्ट सिलेक्शन की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी जो है, ये चार सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे अगर आप इससे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। पांचवें नंबर की यूनिवर्सिटी हम सबकी बहुत ही पसंदीदा यूनिवर्सिटी है, एंड कई बार इसके ऊपर वीडियो भी बन चुका है, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। इसका ऑफिशियल वेबसाइट लिंक आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा
क्या होगा। अगर हम बात करें कहाँ सिचुएटेड है, तो नॉर्थ की एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है जो देहरादून उत्तराखंड में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर पहला स्पेशलाइजेशन सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, दूसरा स्पेशलाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और तीसरा स्पेशलाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। अगर हम सीयूईटी यूजी 2024 के सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैंडेटरीली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। छठे नंबर की डीम टू बी यूनिवर्सिटी अगेन एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है जिसके ऊपर भी हम कई बार वीडियो बना चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी है जैन यूनिवर्सिटी, जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी। अगर इसका ऑफिशियल वेबसाइट लिंक आप देखना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। अगर हम बात करें कहाँ सिचुएटेड है, तो साउथ की बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, सिचुएटेड इन बैंगलोर कर्नाटका। अगर हम बात करें एआई रिलेटेड कौन कौन से स्पेशलाइजेशन यहाँ पर रन होते हैं, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर रन होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग यहाँ पर रन होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर तीसरा जो कोर्स रन होता है यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग, एंड जो चौथे स्पेशलाइजेशन रन होता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज एआई ड्रिवन डेवऑप्स, यानी कि ये बहुत ही अलग स्पेशलाइजेशन है एंड विच इज वेरी स्पेसिफिक टू डेवऑप्स। तो ये चार अलग अलग स्पेशलाइजेशन रन होते हैं जैन यूनिवर्सिटी में। अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है सीयूईटी के हिसाब से, तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको चूज करना है, ये तो करना ही है। साथ के साथ अगर आपने कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस चूज किया है तो ही आपका इसमें एडमिशन हो पाएगा। सातवें नंबर की डीम टू बी यूनिवर्सिटी है लिंगाया विद्यापीठ। अगर मैं बात करूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की तो अपनी स्क्रीन को आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में, बट इसके अगर हम एडमिशन की बात करें तो ये फरीदाबाद के कैंपस में होते हैं। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से कोर्सेज रन होते हैं, तो सबसे पहले तो सिर्फ बीटेक सीएससी यहाँ पर होता है, उसके बाद रन होता है बीटेक सीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड उसके बाद होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपने सिर्फ इंग्लिश सिलेक्ट की हुई थी अपने सीयूईटी यूजी में एज योर सब्जेक्ट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आठवें नंबर की और फाइनल नंबर डीम टू बी यूनिवर्सिटी हमारी बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विज्ञान फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। इसके ऊपर भी हम कई बार वीडियो बना चुके हैं, इनफैक्ट एक डेडिकेटेड वीडियो आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा। अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो अपनी स्क्रीन के ऊपर आप जरूर एक बार नजर घुमा के देख सकते हैं। अगर हम बात करें विज्ञान फाउंडेशन कहाँ सिचुएटेड है, तो साउथ की एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन अगर आप करना चाहें तो आप विज्ञान फाउंडेशन से कर सकते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग करना चाहते हैं तो ये एज अ स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर। अगर हम बात करें सब्जेक्ट सिलेक्शन की, तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश जो है ये चार सब्जेक्ट आपको मैंडेटरी सिलेक्ट करने पड़ेंगे जब आप अप्लाई कर रहे हैं सीयूईटी यूजी 2024 के लिए, या अगर आपने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सो आई होप बच्चों आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको ऐसे बेहतरीन डीम टू बी यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी 2024 के अंदर रजिस्टर्ड मिल गए होंगे जहां से आप या तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मशीन लर्निंग, या डेटा साइंस या डेवऑप्स कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगा है, आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिल गई है विदाउट एनी हैसल, तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फर्नांडिस सनस्टोन को। अगले वीडियो में हम एक और ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू।